हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल माय टीचर्स हु इज वर्किंग इन रेडिएंट स्टडी जंक्शन. टुडे वी आर प्रेजेंट हियर ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे. वी आर मार्किंग द 75th इंडिपेंडेंस डे इन 2022 एंड वी हैव अ प्रोग्राम हियर फॉर द फ्लैग होस्टिंग. आई वुड लाइक टू कॉल पूजा मैम फॉर द फ्लैग होस्टिंग. प्लीज मेक अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. सुप्रभात, मैं नवीन कुमार तिवारी रेडियन स्टडी जंक्शन की तरफ से अपने सभी शिक्षकगण को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ. आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं भारत देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए. यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि हम 2022 में 75 वर्ष की अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस रेडियन स्टडी जंक्शन के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं. मैं अपने सभी शिक्षकगण और अपने डायरेक्टर मैम पूजा मैम को यहाँ ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए बुलाना चाहूंगा. धन्यवाद. Teacher staff of the Radiant Study Junction. Today I am here to present a speech on Independence Day. India celebrates its Independence Day every year on 15 August 1947. It is the 75th Independence Day of our country. India celebrates its Independence Day because on this day we got freedom from British rule in 1947. India celebrates its independence with equal enthusiasm at every government and private institutions, including colleges, schools, and universities. The movement of independence in India was started by our Indian freedom fighters under the leadership of Mahatma Gandhi. It is indeed the spirit of our freedom and our love towards our motherland. But we all know this freedom is hard earned. As our Mahatma Gandhi said, our future depends on what we do in our present. So now, it's our turn to continue the legacy of doing something great and something auspicious for our country and also for our future generations. Thank you. Good morning, everyone. Respected my director, ma'am, coordinator, sir, in charge, ma'am, and to all my lovely staff. First of all, I wish you to all a very happy Independence Day. छोटी सी कविता है जो मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ आप सभी के सामने. आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से. आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी. व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी. हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से. गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है,
जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्यारी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गुंजन दसों दिशाओं वीरों के यशगान से हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। थैंक यू।